वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा। और मैं मयंक। और आज हम लोग आ गए हैं लिबर्टी साइंस सेंटर, जो कि न्यू जर्सी में ही है। हमारे घर से हार्डली 2-3 miles है। तो यहाँ आने के लिए हम लोगों को कैब करनी पड़ी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था और कोई तरीका भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे बस या यहाँ पे लाइट स्टेशन रूट है बस। तो अगर आप इसके रूट में हो तो आप आ सकते हो। हमारे ऊपर हमें हमारे लिए सिर्फ कैब ही ऑप्शन था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। बड़ा ही अच्छा ये एक साइंस सेंटर है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, समझने के लिए। यहाँ पे टोटल 4 floors हैं, हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सारे शोज चलते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए टिकट्स फ्री हैं। तो जैसे JP Morgan हो गया, AT&T हो गया, और कौन सी कंपनी, आई थिंक आदिदास है, या आप उनकी, तो आप उनकी वेबसाइट्स पे उन कंपनीज के नाम देख लो, और अगर आप अपना आईडी कार्ड लेकर आते हो तो आप एक टिकट एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज के साथ में आपके लिए फ्री हो जाएगी, और हमेशा के लिए ये। तो वो टिकट्स नॉर्मल टिकट्स नहीं लगेंगी, लेकिन शोज जो एक्स्ट्रा शोज है उनके टिकट्स लगेंगे। तो जितने भी 70s शोज होते हैं, प्लानिटेरियम या डायनासोर शोज या कोई और शोज, उन सब के लिए आपको $8 पर शो पे करना होगा। तो ठीक है, नॉर्मल टिकट्स है, नॉर्मल, तो आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ नई चीज़ें, क्योंकि ये अप्रैल का मंथ है, तो मैंने सुना था कि कुछ नई चीज़ें हैं, वो देखते हैं। इस सेंटर के अंदर आते से ही, अभी क्योंकि अप्रैल 1st और 2nd अप्रैल है, तो यहाँ पे अप्रैल फूल सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही यूनिक सा तरीका है, के रिफ्लेक्शन से ये लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोग कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं एक बिल्डिंग पे। तो उसकी मैं एक व्यू दिखाती हूँ आपको। टिकट्स लेने के लिए लाइन कितनी लंबी है यहाँ की, क्योंकि वीकेंड है तो रश बहुत ज़्यादा ही है। तो मुझे लगता है आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा यहाँ पे आज टिकट्स लेने में। प्रेशर आ रहा है क्या? ये एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम है जहाँ पे आप खुद के प्रेशर से साउंड क्रिएट कर सकते हो। When the feeling is mutual, when both parties are really excited, when, God, when there's like these little moments of magic. Feels good, it feels right, we don't move too quick. Got hers, I get mine, we say, ooh, that's it. Say what I feel is a fact. ये आप कैसे क्रिएट कर रहे हो? ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये साउंड के थ्रू हो रहा है। क्या देखो, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप आपके बच्चे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर अडल्ट ऑल्सो। सो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे बहुत पुराने पुराने कछुए दिख रहे हैं मेरे को, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये सारे बेचारे जिंदे कछुए, ये बेसिकली इनका एनिमल सेक्शन है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के इन्होंने स्पीशीज ऑफ एनिमल्स रख रखे हैं। अभी हम आपको और सारे वैरायटी, और ये बच्चे को देखो कितने प्यार से सीख रहा है, देख रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। In a tempo, walk through the rental after the pencil, soothing past that here. What's the plan? I know what's the new one, lots to improve on, gotta just take the chance, it's alright. यहाँ हम लोगों को दुनिया का सबसे जहरीला सांप दिखा है, और वो भी ग्रीन कलर का, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन ट्री पाइथन कहते हैं। ये देखो, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ये ऐसे लिपटा हुआ है कि पता भी नहीं चल रहा पेड़ में है या कहाँ है। एक तो यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो, और दूसरा एक यहाँ है।
हिल भी नहीं रहे ये लोग. कैसा लग रहा है आपको? ये सांप बहुत डेंजरस होते हैं. आपसे भी ज्यादा? वो बस शीशे के अंदर अच्छे लगते हैं, बाहर बहुत डेंजरस. लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मरे पड़े हैं, हिल भी नहीं रहे ये लोग. तो एक्टिविटी करोगे तो वो एक्टिविटी करें, तो वो शांत रहते हैं. अच्छा. ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये एक होलो ह्यूमन है. यहाँ पे ऐसा है कि आप अपना क्वेश्चन इस लैपटॉप में या इस मशीन में आप फीड करो और ये आपको उसका आई थिंक रिपीट करेगी या उसका आंसर देगी. तो मैं कुछ नया करने का सोच रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन इस बार इसको हिंदी में क्वेश्चन देते और देखते फिर ये क्या रिएक्ट करती है. चलो. ये मैडम ने मेरे हिंदी क्वेश्चन का हिंदी में जवाब नहीं दिया, ये सिर्फ इंग्लिश सुनती है और इंग्लिश समझती है. क्या चल रही है? ये दिस इज योर माइक्रोब सो यू कैन डू योर बियर बाय एसीसी. सो बेसिकली आप इसे पेंट कर सकते हो ना? हाउ योर माइक्रोब विल लुक इन डिफरेंट. दैट्स नाइस, समथिंग न्यू. ये मुझे ना क्रिश क्रिश की तरह फीलिंग आ रही है. हां, जहां पे टोंटिंग जहाँ पे वो ऐसे करके कुछ तो लैपटॉप बनाया था. कंप्यूटर. हाँ. यहाँ पे इन लोगों ने कैसी क्लिनिक बनाई है जहाँ पे आप खुद को ही चेक कर सकते हो. ऐसा ही है ना, कुछ खुद को चेक करके आप. दिस इज अबाउट सेल्फ असेसमेंट. जब आप अपना फर्स्ट डायग्नोसिस कर सकते हो खुद से, अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं. इसका एक एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको. आप यहाँ पे अपने फिंगर्स डालो और ये आपकी बॉडी मेजरमेंट्स और हार्ट रेट ये सब सब कुछ आपको दिखा देगा. और यहाँ पे कुछ है जिससे आप अपने आप को खुद को डायग्नोस कर सकते हो. तो डॉक्टर्स की अब जरूरत धीरे धीरे ये सब भी ऑटोमेशन होने लग गया है. ये जो साउंड अभी अभी आपने सुना है ये एक ऐसा साउंड इन लोगों ने क्रिएट किया है. जब आप स्नीज करते हो, छींकते हो, तो जैसे जर्म्स आपके मुंह और नाक से बाहर आते हैं, ये उस चीज़ का एक एग्जांपल है. और इनके अकॉर्डिंग आपका आपके जो जर्म्स है एक पूरे रूम में फैल सकते हैं. तो हमेशा अपने मुँह और नाक पर हाथ रख करके कवर करके छींकें. अगर आप ये देखोगे मेरे पीछे तो इन लोगों ने पूरा वैक्सीन का प्रोसेस समझाया है. यहाँ पे वैक्सीन के ड्रॉप्स गिराए हैं, फिर यहाँ पे वो एक सेल में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे इनकी एंटीबॉडीज बनी है. तो ये एक पूरा प्रोसेस है. मुझे लगता है कोविड के बाद ये ज़्यादा स्टार्ट हो गया इन सब चीज़ों के बारे में. और ये क्या है? फ्लू इन द कूप. पता नहीं क्या होता है. एनी आइडिया? नो आइडिया. तो ये जो फ्लू इन द कूप है ये एक एक्चुअली चिकन एग से वैक्सीन का क्रिएशन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. और इसके अकॉर्डिंग अब कुछ टाइम में डीएनए के थ्रू भी वैक्सीन बन सकते हैं, तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद. वो होबोकन है. ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कैसे न्यूयॉर्क का पूरा ट्रेन स्टेशन बिल्ड हुआ था और कैसे इन्होंने उसको डेवलप किया है ओवर द इयर्स. ये बेसिकली एक आपका डेवलपमेंट है रेलवेज का. भी आप देखोगे आपको शिकागो रेलवे दिख रहा होगा, यहाँ पे बफलो रेलवे दिख रहा होगा, वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेशन. ये अभी की यूएस की एमटेक ट्रेन है
जो हम इंटरसिटी के लिए यूज करते हैं। ये जो घर आप लोग देख रहे हो ये नॉर्मल यहाँ का स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली यहाँ के घर ऐसे ही होते हैं। इतना बड़ा सा लॉन होता है, घर होता है बीच में और बाकी चारों तरफ ओपन स्पेस होता है, यहाँ पे गार्डन होता है या फिर डेक होता है, कुछ भी बना सकते हो। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक प्लैनेटेरियम है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लैनेटेरियम है, और यहाँ पे प्लैनेटेरियम के शोज हैं। तो हम लोगों ने 325 का शो लिया है, लेट्स सी कि ये कैसा है। ये एक्चुअल में बहुत ही बड़ा प्लैनेटेरियम है, इट्स लुक्स ऑसम। ये देखो लेके जा रहा आसमान बाहर गया। Now, the splendor of our planet can be shared by all. Our home in space speeds about an average yellow star, only one among over 200 billion stars in a galaxy we call the Milky Way. हम लोग नहीं हिलते। तो प्लैनेटेरियम का एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा था, आपका कैसा था? बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने बहुत हाई क्वालिटी वीडियो कैप्चर किए थे एंड डिटेल्स वर अमेजिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्लैनेट। इट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। मुझे मज़ा आया क्योंकि मेरे को याद है मैं बचपन में मम्मी पापा के साथ एक बार गई थी प्लैनेटेरियम। अभी बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से मैं इंडिया में मैंने देखा है और यहाँ पे देख रही हूँ तो ऑब्वियसली, लेकिन वर्थ था। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं, तो बहुत सारे शोज़ तो आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आकर के आप कवर कर सकते हो। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। अभी मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी गेम्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं जिससे उनकी मेमोरी स्ट्रांग होएगी और एनर्जी बूस्ट होएगी। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं, तो कुछ कुछ गेम्स का मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा दूँ। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, शाम के 5:45 हो रहे हैं और धूप देखो मस्त हो रही है, मस्त मौसम है, बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस अच्छा था। लिबर्टी साइंस सेंटर का कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस वाज गुड। अगेन आप देयर आर 8 टाइप ऑफ शोज, तो आप सारे शोज एक दिन में नहीं कर सकते हो। आप एक या दो शोज करो, आप बाकी साइंस सेंटर आप एंजॉय करो, अच्छे से गेम्स एंजॉय करो। बच्चे हैं तो आप और मतलब वो और एंजॉय करेंगे एंड होपफुली आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। यहाँ हम लोगों को तो मज़ा आया, अच्छा था एक्सपीरियंस। अभी वी आर डन फॉर द डे और अब हमारी कैब भी आ चुकी, आने ही वाली है, इनफैक्ट एक दो मिनट में आ जाएगी। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं
और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अपने नए व्लॉग में विद अ न्यू कंटेंट. Until then, bye-bye, good night, take care.